वैष्णवी इजी लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज हम तुलसी के बारे में बताएंगे। तुलसी एक दिव्य पौधा है, इनकी पूजा हर घर में होती है। तुलसी बहुत पवित्र होती है, हमने भी 5-6 गमले में लगाए हैं, पर इस समय यहाँ पे 3 गमले रखे हैं। के पवित्रता के बारे में कोई नहीं कह सकता है कितना पवित्र हैं ये। और जैसे ही ये पूजा पाठ के लिए इतना पवित्र है, इन्हें सब देवी मानकर पूजा करता है, वैसे ही ये औषधीय गुणों से भरी हुई हैं। इनके गुण हम आज बताएंगे तुलसी माँ के। तुलसी को देवी रूप में भी पूजते हैं। यह तुलसी एक औषधीय पौधा है और इसमें बैक्टीरिया से लड़ने के क्षमता रहती है। किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी के वायरस हो, बैक्टीरिया हो, सबसे लड़ने की क्षमता है। सुबह सुबह तुलसी को सेवन करने से हर बीमारी से लड़ने के क्षमता रहती है। तुलसी के पत्ते के तोड़कर चाय भी बना सकते हैं, आप डेली चाय में इसे यूज कर सकते हैं। चाय बनाते समय 7-8 पत्ते तोड़ के डाल दें और चाय पत्ती से ज़्यादा इसमें शक्ति रहती है। और जिसको बुखार हो रहा है, तुलसी के काढ़ा बना के पिएं। जैसे 10-15 तुलसी के पत्ते ले लें, 1 गिलास पानी में उबाल लें, 2-3 काली मिर्च डाल के उसका काढ़ा बना कर पिएं और बुखार छोड़ देता है। तुलसी बीपी को भी कंट्रोल करता है, शुगर को भी। जिसको डायबिटीज हुई है, तुलसी के पत्ते को सेवन करें, तुलसी के रस निकाल के काली मिर्च डाल के ऐसे ही सेवन करें बिना पकाए, तब भी फायदा करता है। और जिस किसी को बुखार हो रहा है, बुखार काफ़ी दिन से हो रहा है, छोड़ नहीं रहा है, अंदर अंदर शरीर में हमेशा बुखार रहता है, उसको तुलसी के काढ़ा बना के पीना चाहिए। ऐसे ही 1 गिलास पानी में 8-10 तुलसी के पत्ते डाल दें, 2-3 काली मिर्च और मिश्री डाल के उसे छान कर सेवन करें तो बुखार भी छोड़ देता है। दमा में भी तुलसी को फायदा करती हैं। तुलसी में एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एजेंट पाए जाते हैं। तुलसी हर बीमारी के लिए फायदा करती हैं। जिस किसी के अगर कहीं घाव भी हुआ हो, वहाँ भी तुलसी को पत्ते पीस लें, उसमें भी लगाएं, बहुत फायदा करता है। जिस किसी को चेहरे पर झाइयाँ हुई हैं, कील मुहासे हुए हैं, उसमें भी तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें या तो पीस लें, या तो कुछ पत्ते ऐसे तुलसी के तोड़ के अपने हाथ से ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, इनका रस ऐसे करने पे थोड़ा सा निकल जाता है। इसको बगैर कुछ मिलाए, बगैर कुछ मिलाए अपने स्किन पे, चेहरे पे जहाँ झाइयाँ हैं, मुहासे हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे लगा लें। दिन में ऐसे 2-3 बार करें, पर इतना ना घिस दें कि स्किन को नुकसान पहुँच जाए, हल्का हल्का करें, बहुत फायदा करता है। जिस किसी को लूज मोशंस हो रहा है, उनको भी तुलसी के पत्ते के काढ़ा बना के पीने से फायदा होता है। तुलसी के पत्ते को उबाल लें और उसमें शहद डाल लें, थोड़ी सी मिश्री डाल के उसका सेवन करने से उसमें भी फायदा होता है, उल्टी में भी आराम आता है इसी तरह सेवन करने से। जिस किसी को किडनी में पथरी हो गई है, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त फायदा करता है ये। अगर इसका काढ़ा उसी तरह से बना के पिए, तुलसी के पत्ते 10-12 पत्ते पीस लें, उसमें शहद और मिश्री मिला के रोज सेवन करें सुबह सुबह, पथरी में भी बहुत फायदा करता है ये। ये तुलसी कौन सा ऐसी बीमारी है जिसमें फायदा नहीं करता है? हर बीमारी के लिए तुलसी में हर तरह के बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता है। और हमारे घर में तुलसी बहुत है, जिस घर में तुलसी होती हैं उस घर में बीमारियां नहीं आती हैं, ये लोगों को मान्यता है। तुलसी अपने घर आंगन में लगाएं। हमारे पास, हमारे छत पे बहुत तुलसी है, इसमें ये देखो निकली है, छोटी छोटी तुलसी निकल रही है, इसमें ये है, ये है। जिस किसी को सर्दी हुई हो, खांसी हुई हो, खांसी बहुत दिन से आ रहा, गला बैठ जाता है खांसते खांसते, आवाज़ नहीं निकलती है, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त फायदा ये तुलसी के पत्ते से होता है। इनको तुलसी के पत्ते को 10-12 तुलसी के पत्ते तोड़ लें, उसमें अजवाइन डाल लें और अदरक डालकर
थोड़ी सी हल्दी डाल लें, उसका काढ़ा बना के पिए, चीनी या कुछ भी मीठा डाल लें चाय की तरह बना के, एक हफ्ता पीने से जो गला बैठा हुआ रहता है, आवाज़ बदल जाती है, आवाज़ नहीं निकलती है, उसमें बहुत फायदा करता है। सर्दी या जुकाम आराम से छोड़ देता है, जिस किसी को नज़ला हुआ है बहुत फ़ायदा सर्दी खांसी में करता है, इसी तरह बुखार में भी बहुत फायदा करता है। इन तुलसी के पूजा के साथ साथ जैसे आप सब पूजा करते हैं इनकी सुबह शाम, वैसे ही इनके औषधीय गुणों का भी लाभ उठाएं। इनके अंदर बहुत औषधीय गुण है, हर तरह से यूज करें, नहीं कोई ज़्यादा इसमें मिलाने की व्यवस्था है, कोई बात नहीं। आप सुबह सुबह उठकर खाली पेट दो चार तुलसी के पत्ते के रस निकालें, ऐसे ही सेवन करें, तब भी सभी बीमारियों में फायदा करेंगी। अगर हमारी ये वीडियो आप सबको अच्छी लग रही हो, लाइक एंड शेयर करें और हमारे वैष्णवी इजी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।